तो सर टैक्स फॉर्मूला में जो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा भाट टैक्स है। ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली में नंबर टू वर्ड कन्वर्जन करता है, बट ये थाई लैंग्वेज में करता है, इसका कोई यूज नहीं है, पर है तो मैं बता रहा हूं आपको इसका। बाकी एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, कैर कैरेक्टर। कैरेक्टर इसमें आप कोई भी नंबर डालते हैं, इसको ये कैरेक्टर में बदलता है। एक एक्चुअली आई आस्काई कोड होता है, आस्काई कोड अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक कोडिंग लैंग्वेज है अपने जो कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए। इसमें हर एक नंबर का एक कैरेक्टर होता है, जैसे कि हम इसमें देखेंगे ये टेबल, ये नंबर्स हैं, इनका यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या मतलब होता है उसका ये कैर में। तो अगर आप 65 का देखेंगे तो कैपिटल ए पड़ता है, ये 97 का देखेंगे तो स्मॉल ए होता है। ठीक है जी, इसका यूज मोस्टली प्रोग्रामर्स करते हैं। उसी तरह से हमारे पास कोड का फॉर्मूला है जो आपको इस कैरेक्टर का कोड दे देता है। तो कैर का फॉर्मूला जो होता है वो कोड से कैरेक्टर में बदलने के लिए, और कोड का फॉर्मूला जो होता है वो कैरेक्टर से कोड में बदलने के लिए। ठीक है जी, क्लीन नेक्स्ट क्लीन का फॉर्मूला। कई बार क्या होता है कि हम लोग इसमें ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं, यह एंटर का साइन है। सेम सेल में अगर हमें दूसरी लाइन में आना हो तो हम ऑल्ट एंटर यूज करते हैं। तो एक्चुअली जो ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो कि नॉन प्रिंटेबल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए क्लीन का फॉर्मूला लगता है। हमारे पास एक लेंथ का फॉर्मूला LEN, ये क्या करता है, लेंथ बताता है आपको। तो ऑल्ट एंटर दबाया मैंने, इसको मैं क्या करता हूँ क्लीन के फॉर्मूला के अंडर डाल देता हूँ, ऊपर वाले टेक्स्ट को। और अब इसकी अगर लेंथ चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो मतलब जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं, इसी तरह से ऑल्ट एंटर हो गया या ब्लैंक स्पेस हो गए या कोई भी ऐसे, वो सब हटाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्योंकि जैसे आप वी लुकअप वगैरह यूज करेंगे या कोई भी डेटा प्रॉब्लम आती है, डेटा मैच नहीं कर रहा है इक्वल टू करने में, तो वो इन्हीं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स के कारण से होता है। तो हम क्लीन ट्रिम ऐसे फंक्शंस का यूज करते हैं डेटा को क्लीन करने के लिए। ठीक है जी, जैसे कोड का फॉर्मूला मैंने बताया कि आपको ये है, तो अब मैं क्या करूंगा, कैसे पता पड़ेगा मुझे कौन सा कैरेक्टर है इसके बीच में नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, उसका कोड क्या है। ठीक है जी, मैं क्या करूंगा, इससे नीचे आया यहाँ तक कॉपी किया, यहाँ किया था मैंने, मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, या खाली सेल में ऑल्ट एंटर मार के देख लें, कोड का फॉर्मूला लगाया, मुझे पता पड़ गया कोड 10 है ऑल्ट एंटर के लिए। तो यानी कि अगर मैं किसी भी टेक्स्ट में, जैसे हम टेक्स्ट को कंकैटिनेट करते हैं, ये मैंने सिलेक्ट किया, कंकैटिनेशन का ऑपरेटर दबाया, देन मैंने क्या किया, कैर में मैंने 10 डाल दिया, फिर एंड, और कोई टेक्स्ट अपनी तरफ से दे देता हूं।
कुछ भी दे दिया। यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं दिखाएगा, जैसे ही आपने वर्ड ट्रैप टेक्स्ट किया आपको दिखा देगा, वहीं से ब्रेक करेगा जहाँ कोड 10 पड़ा था। कैर 10, तो मतलब इसके बाद सीधा सीधा नेक्स्ट लाइन में आ गया। इस तरह से हम इसका कभी कभी यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? इसको मैं आगे के फॉर्मूले में अभी दिखाऊंगा। इसका चार्टिंग में हम लोग यूज करते हैं, मैनुअल चार्टिंग में, डैशबोर्ड क्रिएशन में। तब तक और फॉर्मूले देखते हैं। कंकैटिनेट का फॉर्मूला है हमारे पास। ये जो मैंने कंकैटिनेशन ऑपरेटर के जरिए किया, कंकैटिनेशन क्या होता है? जब मैंने दो या दो से अधिक वैल्यूज को एक साथ करना है एक सेल में, इसको कंकैटिनेशन कहते हैं। इसको अभी मैं जो है एंड के साइन से कर रहा हूँ, इसी के लिए मेरे पास फॉर्मूला है कंकैटिनेट का। पहला सेल सिलेक्ट किया, कॉमा, दूसरा सिलेक्ट किया, सेम काम करता है आपका कंकैटिनेट का फॉर्मूला भी। अगर बीच में स्पेस आए तो कैसे करना चाहिए? हाँ, बढ़िया क्वेश्चन। स्पेस अगर आपको लाना है ना, तो देखिए टेक्स्ट को फॉर्मूला में डालने का एक रूल होता है कि वो डबल क्वेट्स के बीच में आता है, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आप स्पेस दे दीजिए, एक और वो दे दीजिए, ठीक है जी। कंकैटिनेशन में देना है, इसमें क्या है, टेक्स्ट 1, 2, 3, 4 और जितने भी दे सकते हैं आप कॉमा सेपरेट करके दे सकते हैं, पर आपको अगर यही वैल्यू देनी है तो आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस डालना है, फिर कॉमा लगाना है। तो टेक्स्ट 1 मेरा वो वैल्यू हो गई, टेक्स्ट 2 में स्पेस आ गया, टेक्स्ट 3 में ये आ गया, ठीक है जी। ओके सर। नेक्स्ट है डॉलर। डॉलर का वैसे कुछ खास यूज नहीं है, पर फिर भी देख है तो बता देता हूँ। इसमें आप कोई भी नंबर डालें, कितने डेसिमल तक चाहिए वो डाल दीजिए, तो ये आप करेंसी फॉर्मेट में चेंज करके दे देगा। मतलब एक तरह से नंबर फॉर्मेट क्लियर है। इसके दो और दो पैरामीटर है, नंबर एंड डेसिमल। डेसिमल में कितने डेसिमल तक आपको चाहिए, 3 डेसिमल तक चाहिए तो 3 में दे देगा, ठीक है, आगे करेंसी कर देगा। इसी तरह से आपका फिक्स्ड का फॉर्मूला है, नंबर कितने डेसिमल तक चाहिए, और बाकी इसके साथ है कॉमा चाहिए नहीं चाहिए। कॉमा होता है आपका 1000 से ज्यादा वाली वैल्यू में, ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है न्यूमेरिक्स में, यहाँ जनरल फॉर्मेट में, ये नंबर फॉर्मेट में। मैं इसको अगर ट्रू कर दूंगा कॉमा वाले पॉइंट को, तो कॉमा नहीं दिखाएगा, ठीक है जी। ये जो नो कॉमाज है ये ट्रू फॉल्स में वैल्यू लेता है। इसके बाद है एग्जैक्ट का फंक्शन। देखिए दोनों में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैच करता हूँ मैं, इक्वल टू का लॉजिकल फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ मैच करने के लिए कि क्या ये इसके बराबर है कि नहीं, ये बता रहा है कि है। बट जो एग्जैक्ट का फंक्शन होता है ये आपको केस सेंसिटिव रिजल्ट देता है, मतलब अगर एक अपर केस में दूसरा लोअर केस में है तो ये फॉल्स दिखाएगा, दोनों का सेम केस में होना जरूरी है। तभी ट्रू दिखाएगा। तो एग्जैक्ट का फॉर्मूला अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसके लिए।
उसके बाद है आपका फाइंड का फॉर्मूला। फाइंड के फॉर्मूला से पहले मैं कुछ एक और फॉर्मूला आपको दिखा देता हूँ। किसी भी वैल्यू को आपको लोअर केस में चेंज करना हो, अपर केस में करने के लिए अपर का फॉर्मूला है, लोअर केस में चेंज करने के लिए लोअर का फॉर्मूला है, और टाइटल केस में मतलब एक करेक्टर हो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर का फॉर्मूला है। तो पहला लेटर बड़ा हो जाए, तो ये तीन फॉर्मूले हमारे पास हैं, अपर, लोअर और प्रॉपर। नेक्स्ट है आपका रिप्लेस का फॉर्मूला। रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट दो फॉर्मूले एक ही जैसे हैं, बस इनके पैरामीटर में चेंज है। एक थोड़ा आसान पड़ता है, एक थोड़ा, दोनों के तरीके अलग अलग हैं। जैसे मैंने रवि लिखा, अब इसमें मैं रिप्लेस करता हूँ ओल्ड टेक्स्ट, क्या है ये टेक्स्ट है आपका पहला पैरामीटर। स्टार्ट नंबर मतलब कहाँ से चेंज करना है, मान लीजिए मुझे ए को हटाना है तो ए कौन सी पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे, सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे आर है, सेकंड पे ए है, थर्ड पे बी है, फोर्थ पे आई है, तो सेकंड वाला नंबर मैंने यहाँ डाल दिया। दूसरा पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब दूसरे से स्टार्ट तो करना है पर आगे तक कितने कैरेक्टर चेंज करने हैं, तो मैंने खाली ए ही हटाना है तो मैं वन दे रहा हूँ। और अगर मान लीजिए मुझे ए वी दोनों इकट्ठा हटाना होता तो यहाँ दो दे देता मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर, ए वी आई पूरा हटाना है तो तीन दे देता। तो मतलब जितने कैरेक्टर यहाँ देंगे उतने ही रिप्लेस करेगा ये। उसके बाद नया टेक्स्ट क्या लगाना है आपको, ए की जगह मान लीजिए ओ लगाना है, मैंने ओ लगा दिया मैंने, ठीक है जी। अब इसी केस में देखिए सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला क्या करता है। सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला ये है, ये आपका टेक्स्ट है, ओल्ड टेक्स्ट क्या है मैंने कहा कि ए है, न्यू टेक्स्ट क्या रहेगा मैंने कहा ओ रहेगा, ठीक है जी। ये आपका केस सेंसिटिव होता है तो मेरे को कैपिटल देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो सेम काम करते हैं आपके, आप यहां देखेंगे टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट, इसके साथ में एक इंस्टेंस नंबर और है। मान लीजिए यहां पे दो ए होते तो क्या करता है, ये दोनों को चेंज कर देता, क्योंकि आपको रिप्लेस के फॉर्मूला में तो कैरेक्टर वाइज था कि हम दूसरे से चले और कितने कैरेक्टर चेंज करने थे तो फिक्स था, बट सब्स्टिट्यूट के केस में ऐसा नहीं था। हमसे ये पूछा गया कि क्या चेंज करना है और किससे चेंज करना है, तो इसने दोनों वैल्यूज को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमारी मदद करता है इंस्टांस नंबर, कि मतलब कौन सा वाला है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो यहाँ पे बस वो देना है हमें, दो दिया मतलब दूसरा ए चेंज करना है, तो लास्ट वाला जिसने चेंज कर दिया, ठीक है जी। यहाँ वन देंगे तो पहला वाला चेंज करेगा खाली, और अगर कुछ नहीं देंगे तो ये सबको चेंज कर देगा, ठीक है सर। आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ी होगी, आप कस्टम फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर जो कस्टम फॉर्मेट्स ये आपने पढ़े होंगे,
इसके अंदर आप जो भी कोड लगाते हैं आप टेक्स्ट के फॉर्मूला के थ्रू दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास डेट है, अब डेट का मुझे फॉर्मेट सेट करना है, तो मैं टेक्स्ट का फॉर्मूला लूंगा, रेफरेंस दूंगा वैल्यू में, और फॉर्मेट टेक्स्ट में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो फॉर्मेट सेट कर दूंगा, DDMMY, ये फॉर्मेट मैंने इन्वर्टेड कॉमास में सेट कर दिया, तो मुझे ये उसी फॉर्मेट में रिजल्ट दिखाएगा। इसमें आप कोई भी नंबर फॉर्मेट में बदलना चाहें नंबर फॉर्मेट में बदल सकते हैं, मतलब जो आपके कस्टम फॉर्मेट्स वहाँ चलते हैं वो सब आप यहाँ चला सकते हैं। तो टेक्स्ट का फॉर्मूला आपका नंबर फॉर्मेटिंग की एक्चुअल वैल्यू को गेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद है आपका ट्रिम का फॉर्मूला। अब मान लीजिए आपने कोई नाम टाइप किया और वहां या ईआरपी से उसमें एक स्पेस आ गया या आगे उसके स्पेस लग गया, एक स्पेस आगे लग गया, तो ये मैचिंग तो करेगा नहीं, तो उसके लिए हमारे पास ट्रिम का फॉर्मूला होता है। ये आपके ब्लैंक स्पेसेस जो होते हैं वो हटा देता आगे पीछे से। लेंथ चेक कर लेंगे, यहाँ 8 थी, यहाँ 6 हो गए। ठीक है जी, दूसरा वैल्यू का फॉर्मूला। अभी जैसे आपने देखा कई बार हम इस टेक्स्ट फॉर्मूला के थ्रू वैल्यू लाएंगे और उसमें कैलकुलेशन नहीं होती है कई बार, क्योंकि टेक्स्ट का फॉर्मूला जो है टेक्स्ट में वैल्यू रिटर्न करता है। एक्सेल हालांकि इसको डिकोड कर देता है अपने हिसाब से, बट अगर कभी नहीं कर पा रहा तो उस केस में आप इसमें वैल्यू का फॉर्मूला ट्राई करेंगे, जो किसी भी टेक्स्ट को नंबर, मतलब जो न्यूमेरिकल में टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको नंबर में दे देता है। ठीक है जी, एक्चुअल नंबर्स में। तो ये आपको नंबर में दे देगा वैल्यू, वैल्यू का फॉर्म। दूसरा, अगर आपको जैसे कभी ये दिक्कत आती है कि कई बार मेरे पास नंबर लिखा है, कहीं टेक्स्ट लिखा है, कहीं नंबर लिखा है, कई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो अगर आपको इस लिस्ट में से नंबर नंबर चाहिए तो आपके पास एन का फॉर्मूला है, सिंपल एन। ये क्या करेगा, जहां पे नंबर होंगे वहां तो आपको नंबर रिटर्न कर देगा, बाकी जगह पे आपको जीरो रिटर्न करेगा। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास टी का फॉर्मूला है टेक्स्ट के लिए, तो ये जहां टेक्स्ट होगा वहां टेक्स्ट रिटर्न कर देगा, बाकी जगह ब्लैंक छोड़ देगा। ठीक है सर, इसके बाद देखते हैं आपके फाइंड का फॉर्मूला। अब इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है वो कौन सी पोजीशन पे है, जैसे मुझे ई सर्च करना है कि ई कहाँ है एक्सेल के अंदर, ई कहाँ पे है, तो मैं फाइंड का फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है जी, पहला फाइंड टेक्स्ट, दूसरा विद इन टेक्स्ट इस टेक्स्ट के अंदर, तीसरा स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है। इसमें भी वही इंडेक्स पोजीशन होती है कि पहले से, दूसरे से, तीसरे से, जहां से। अगर आप कुछ नहीं देंगे तो पहला वाला पकड़ के देगा आपको, ये बता रहा है कि पांचवी पोजीशन पे है। ठीक है जी,
इसी तरह इसमें होता है हमारे पास सर्च का फॉर्मूला, दोनों सेम काम करते हैं, फाइंड और सर्च सेम करते हैं। फाइंड टेक्स्ट क्या फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट किसमें, ठीक है जी, पांचवी पोजीशन पे। पर फाइंड और सर्च में क्या फर्क है कि फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है और सर्च जो है केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब कैपिटल ई है तब भी सर्च कर रहा है, ठीक है जी। दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है। दूसरे हमारे पास आता है, मान लीजिए कुछ नाम है हमारे पास यहाँ पे, और मुझे इसमें क्या करना है कि फर्स्ट नेम अलग करना है, मिड नेम अलग करना है और लास्ट नेम अलग करना है। अब देखिए इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, लेफ्ट से वैल्यू लेने के लिए लेफ्ट का फॉर्मूला है, यहाँ से आप ये चूज कीजिए कितने करेक्टर लेने हैं। मैंने कहा चार करेक्टर लेने हैं, चार दे दिया, ये आपका आ गया। राइट से लेने के लिए राइट का फॉर्मूला है, टेक्स्ट चूज किया, कितने करेक्टर चाहिए, सक्सेना गिन लेंगे कितना है, छः का, छः ले लिए। मिडल चाहिए, मिड वैल्यू, तो मिड का फॉर्मूला है, टेक्स्ट चूज करेंगे। अब ये पूछता है कहाँ से स्टार्ट करना है मिडल वैल्यू में, मैंने कहा रवि में चार डिजिट है, स्पेस लेके एक पांच डिजिट हो गए, तने का छः से स्टार्ट करूं, कितने करेक्टर चाहिए, कुमार में टोटल पांच करेक्टर हैं तो पांच मुझे चाहिए, तो इस तरह से अलग हो गया लेफ्ट मिड और राइट का फॉर्मूला। पर क्या होता है कि सबके साथ ये चीज़ नहीं आती है, मैं चाहता हूं कि सबका मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडल नेम अलग करना है, तो ये एक्चुअली क्या है कि ये पोजीशन डायनेमिक होनी चाहिए, पोजीशन ये अपने आप पता लगाए क्या हो तब तो हेल्प होगी। तो उसके लिए हमें याद है हमारा फाइंड का फॉर्मूला, ठीक है जी। फाइंड में हमें क्या याद करना है, फर्स्ट स्पेस, पहला स्पेस, देन चाहिए मिडल से यहां से तोड़ने के लिए सेकंड स्पेस है, सेकंड स्पेस, और क्या जरूरत पड़ सकती है हमें, लेंथ की। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, पहला फाइंड का फंक्शन लगाया हमने, स्पेस दे दिया, विद इन टेक्स्ट इस टेक्स्ट के अंदर पहला स्पेस मिल गया। सेकंड स्पेस के लिए क्या करना है, फाइंड अगेन स्पेस विद इन टेक्स्ट इसी से ही, बट जो स्टार्ट नंबर आएगा ना वो आएगा जहां मैं पहला स्पेस मिला था प्लस वन। प्लस वन क्यों लगाया कि अगर हम पहला स्पेस से स्टार्ट करेंगे यहां से पांचवे पे याद करते तो पांचवे पे पहले ही स्पेस है तो वो आपको फिर से वही रिटर्न करेगा। मैंने कहा ये तो मिल गया, एक और आगे चले तो ये आपको नेक्स्ट स्पेस ढूंढ के देगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ का फॉर्मूला। लेंथ से क्या किया मैंने, पूरी लेंथ निकाल दी। ठीक है जी, अब इसको कैसे बिल्ड करेंगे, मैंने क्या किया इसमें चार की जगह यहाँ दे दिया फर्स्ट स्पेस माइनस वन, क्योंकि स्पेस जो है वो एक एक्स्ट्रा ही पोजीशन पे है, चार तो यही है तो हमारा चार डिजिट का करेक्टर, तो जो भी फर्स्ट स्पेस आ रहा है माइनस वन पहले नाम में, लेफ्ट के फॉर्मूला के अंदर डाल दिया मैंने, ये ले लिया इसमें। उसके बाद इसमें क्या करना है हमें, लेफ्ट के लिए
यहाँ पे 6 करेक्टर है, 6 करेक्टर कैसे आएंगे? 17 में से, मतलब फुल लेंथ में से सेकंड स्पेस माइनस कर देंगे, तो फुल लेंथ माइनस सेकंड स्पेस आ गया जी। दूसरा क्या है, मिडल वाला। मिडल में क्या है, कहां से स्टार्ट कर रहा है, 6 से, मतलब फर्स्ट स्पेस से। यहां से फर्स्ट स्पेस लिया और कितने कैरेक्टर उठाने हैं, तो सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, स्पेस से स्पेस माइनस किया और एक और माइनस करना है। नहीं, इसको नहीं माइनस करते, तो ये आ गया आपके पास। स्टार्ट नंबर जो होगा हमारे पास प्लस वन हो जाएगा। यहां वाला होगा माइनस वन हो जाएगा। ठीक है जी, जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला चल गया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया आपको कैसे किया? फिर इसको कंबाइंड करना शुरू करेंगे। कंबाइंड कैसे करेंगे, जब भी हम फॉर्मूला कंबाइंड करते हैं कैसे करते हैं, इसमें आप देख रहे हैं दो लिंक है, जैसे ही फॉर्मूले पे क्लिक कर रहा हूँ, एक इसका लिंक है एक इसका लिंक है, तो मैं हटा किसका सकता हूँ, जिसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी तो जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को इक्वल टू से पहले कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे मैंने जहां ये रेफरेंस दे रखा है H3 वो सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, तो ये अपने आप में पूरा फॉर्मूला हो गया सर। अब मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें कोई रेफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है जी, मुझे यहाँ पे भी H3 यूज हुआ है, वहां पे ये फॉर्मूला डाल देना है। ठीक है जी, यहाँ नहीं यूज हुआ तो मुझे नहीं डालना। दूसरा चीज है ये सेकंड स्पेस वाला, पहले सेकंड स्पेस को फ्री करूँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैं इसके अंदर भी डाल सकता हूँ। H3 आ गई, ये दे दिया, सेकंड स्पेस को फ्री कर दिया मैंने। अब इसको कॉपी करके यहां से, अब जहां I3 यूज हो रहा होगा मुझे वहां इसको पेस्ट करना है। पहले वाले में कहीं नहीं यूज हो रहा, दूसरे वाले में हो रहा है, यहाँ I3, तीसरे वाले में हो रहा है, और J3 में क्या था, लेन का फॉर्मूला था, लेन का तो मैं वैसे भी डाल दूंगा। अब क्या हो गया, अगर मैं इसको भी डिलीट कर दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम चलेगा। और आपको मिल गए आपके पूरे पूरे कंप्लीट फॉर्मूले, फर्स्ट नेम निकालने के, लास्ट नेम निकालने के और मिडल नेम निकालने के। ठीक है सर, बाकी इसमें हम एक फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, इफ एरर का, क्योंकि आपको हर बार 3 डिजिट में नाम तो मिलेंगे नहीं, है ना। मान लीजिए 2 डिजिट का नाम, 2 उसका नाम हुआ, तो इसमें हमें पता है कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, ना कि मिडल नेम है। तो इसमें स्मार्ट तरीका क्या करेंगे, लेफ्ट का फॉर्मूला तो पूरा पूरा आएगा, दूसरा क्या है कि इसमें एक अलग फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, तो जो हमारा फॉर्मूला एरर देगा वो यहां भी देगा, यहां भी देगा। ठीक है जी, तो बीच वाले में तो हम इसको बाद में लगाएंगे, यहां पे हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो इसको कवर कर सके, तो हम क्या करेंगे,
इसको इफ एरर के अंदर पूरा फॉर्मूला डाल देंगे, और वैल्यू इफ एरर में वो फॉर्मूला दे देंगे जो इससे हमारा, वैल्यू इफ एरर में इससे जो हमारा लास्ट नेम एक्सट्रैक्ट करेगा, और वो कौन सा फॉर्मूला होगा, राइट का, इस टेक्स्ट में से कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डालने, इसकी लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस जी। तो ये फॉर्मूला कॉपी तो हुआ बट एरर नहीं आया। दूसरा, अभी यहाँ पे एरर आ रहा है तो इसका जुगाड़ क्या करना है मुझे, सीधा वही इफ एरर का फॉर्मूला देना है, और फिलहाल के लिए इसे चुप करा देना है, यहाँ पे ब्लैंक दे देता हूँ, ठीक है जी। तो एरर का भी एरर नहीं दिखाएगा ये। तो अब अगर आप यहाँ पे दो नाम ले जाते हैं तो भी ठीक है, और खाली ये भी डालते हैं तो भी ठीक है, चलता है, ठीक है जी। पर अगर मैं इसमें एक ही नाम डाल देता हूँ, सब कुछ एरर, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इफ एरर, इसको अगर कोई एरर इसमें आ रही है तो मैंने कहा कि भैया ये वाला दे दो, पहला ही नाम रिटर्न कर देगा ये, ठीक है जी। बाकी इसमें भी कोई एरर आ रही है तो इस इफ एरर को एक और इफ एरर में लगा दूंगा, और वहां पे कह दूंगा कि आप ब्लैंक दे दो, ठीक है जी। तो आप चाहे तीन डिजिट में नाम लिखें या दो में नाम लिखें या खाली एक ही नाम लिखें, तो ये वर्क करेगा, ठीक है सर। चलिए फिर आज की कथा समाप्त करते हैं। तो आपका आईडी मैं भेजे हुआ सर। आईडी मेरा संदीप हाइफन आईपीटी है। मुझे हर चीज नजर आ रही है। नहीं, मेरे पे हुआ नहीं, ये है, ठीक है सर।